हेलो, नमस्कार जयहिंद। हम लोग बात करने वाले हैं टेलीग्राम के संबंध में कि टेलीग्राम क्या भारत में बैन होने वाला है या टेलीग्राम के संस्थापक को क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए। न्यूज ये है कि टेलीग्राम CEO पावेल डुरोव अरेस्टेड एट फ्रांस एयरपोर्ट। फ्रांस के एयरपोर्ट से पावेल डुरोव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पावेल डुरोव वहीं जो CEO हैं, टेलीग्राम के CEO और फाउंडर हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पावेल डुरोव कौन है, टेलीग्राम के महत्वपूर्ण फीचर्स क्या हैं, फ्रांस ने क्यों गिरफ्तार किया है, घटना की प्रतिक्रिया क्या है और क्या भारत में टेलीग्राम को बैन किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप स्टेट PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो GS 1 और 2 से जोड़कर इसे इंटरनेशनल रिलेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर इसे देख सकते हैं इस मुद्दे को, या अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित हैं तो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को यहाँ से देख पाएंगे। गिरफ्तारी का कारण क्या है, इन्हों को गिरफ्तार किया गया है मॉडरेशन की कमी के कारण। मॉडरेशन की कमी की मतलब कि संयम, यानी कि मैसेजिंग जब टेलीग्राम के थ्रू भेजा जाता है तो उसमें संयम नहीं रखते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो मॉडरेशन की कमी और पुलिस के साथ सहयोग न करना, इसके कारण इनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये टेक बिलियनियर हैं और उद्यमी हैं जो 39 वर्ष के हैं। USSR जो उस समय USSR था, हालांकि विघटन हो चुका, अब रसिया है, USSR नहीं है, तो USSR में इनका जन्म हुआ था। इनकी पढ़ाई भी सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में हुई थी। USSR के एक विश्वविद्यालय में, सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी और इन्होंने उस समय 22 वर्ष की उम्र में VK या वकंटाक्टे, ये रशियन लैंग्वेज में है तो जिस प्रकार आपको प्रोनंसिएट करना होगा कर पाएंगे अपने अनुसार, जिसे शॉर्टकट में VK कहा गया, ये है VK। फेसबुक की तरह ही एक एप्लीकेशन था VK, तो VK की स्थापना इन्होंने किया फेसबुक के कंपटीटर के तौर पर। यह VK इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसे रशिया में अधिकांश लोगों द्वारा VK का यूज किया जाने लगा और इसे रशिया का फेसबुक भी कहा जाता है इसे को। उसके बाद क्या हुआ कि इंस्क्रिप्टेड डाटा प्रदान करने के कारण रूस छोड़ देना पड़ा इनको, और जब रूस छोड़ दिए तो 14 अगस्त 2013 को टेलीग्राम की स्थापना की, ये है टेलीग्राम। 10 दिसंबर 2011 को, यानी कि 2011 में रशिया में बिगेस्ट प्रोटेस्ट हुआ, सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट हुआ, और जब सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट हुआ तो इनसे डाटा मांगे गए, VK का डाटा मांगा गया, जिसके लिए इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद 2014 में भी, 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन रिवोल्यूशन हुआ था जिसे स्नो रिवोल्यूशन बोलते हैं, उस समय भी डाटा प्रोवाइड करने के लिए कहा गया इनसे, लेकिन पुनः ये डाटा प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया, रूस गवर्नमेंट को मना कर दिया कि डाटा हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके कारण इनको रूस छोड़ना पड़ा और रूस के सरकार और इनके बीच में विवाद हुआ और रूस को छोड़ना पड़ा। ये कंपनी से रिजाइन दिए और चले गए, फ्रांस चले गए। फादर ऑफ 100 किड्स कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी जीनियस आदमी हैं, और क्योंकि काफ़ी जीनियस आदमी हैं इसलिए अपना स्पर्म जो डोनेट किया इन्होंने, और जब स्पर्म डोनेट किया तो ट्यूब बेबी के माध्यम से लगभग 100 बच्चे इनके स्पर्म से पैदा किए गए और 100 बच्चों के इसलिए पिता माने जाते हैं। टेलीग्राम के महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ, पॉपुलर कैसे हो गया टेलीग्राम, तो इमेज इन ओरिजिनल क्वालिटी। सबसे पहले ओरिजिनल क्वालिटी में इमेज भेजने का कोई ऑप्शन नहीं था। व्हाट्सएप पर जब इमेज भेजा जाता था तो उसकी क्वालिटी को डाउन कर देता था, और इतना डाउन कर देता था कि दूसरी तरफ जाता था अच्छे से जूम करके देखा नहीं जा सकता था, क्वालिटी को डाउन कर देता था। हालांकि उसमें भी अब बिना क्वालिटी डॉक्यूमेंट करके भेजने का ऑप्शन आ गया है, लेकिन बाद में आया, पहले नहीं था। जबकि टेलीग्राम में पहले से था इमेज को ओरिजिनल क्वालिटी में इमेज भेजने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी यही बनी, इमेज इन ओरिजिनल क्वालिटी। मल्टी डिवाइस सपोर्ट था, हालांकि अब WhatsApp में भी मल्टी डिवाइस सपोर्ट है, अगर WhatsApp बिजनेस डाउनलोड करते हैं तो मल्टी डिवाइस सपोर्ट आपको मिल जाता है, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन टेलीग्राम में पहले इसे था, बस आप एक अकाउंट बनाइए और उसको जहां चाहिए वहां पर सिंक कर लीजिए, किसी भी मोबाइल में सिंक कर लीजिए। हाइड फोन नंबर्स, जैसे WhatsApp में फ़ोन नंबर हाइड करने का ऑप्शन नहीं होता है, आपका फ़ोन नंबर सामने वाले को पता चल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता है। फ़ोन नंबर हाइड करने का ऑप्शन होता है, उसमें अन्य विकल्प भी होते हैं कि कौन आपका फ़ोन नंबर देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, इत्यादि अन्य विकल्प भी होते हैं, या पूरी तरह से हाइड करने का ऑप्शन भी होता है। प्रिवेंट फॉरवर्डिंग एंड कॉपिंग मैसेजेस, व्हाट्सएप में ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाट्सएप में आपने एक बार मैसेज सेंड कर दिया किसी को तो वो आपके
मैसेज को चाहे जितनी बार फॉरवर्ड करना चाहे करेगा, आपके मैसेज को कॉपी करना चाहे तो कॉपी भी कर लेगा। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है, टेलीग्राम में ऐसा फीचर्स है कि आप चाहें तो उसको लॉक कर सकते हैं, और लॉक कर देंगे तो आपका मैसेज कोई भी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा या आपका मैसेज को कॉपी भी नहीं कर पाएगा। तो ये सुविधा आपको मिल जाती है। एंड टू एंड डाटा इनक्रिप्टेड, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, डाटा इनक्रिप्टेड। डाटा इनक्रिप्टेड होता है, हालांकि ये चीज़ व्हाट्सएप में भी मिलता है डाटा इनक्रिप्टेड। इंक्रिप्शन एक टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी होती है जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में, जैसे मान लीजिए कि अगर आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि एप्पल को AQRTL ऐसे लिख दिया जाता है। तो बताइए अगर एप्पल को लिखा जाता है तो पॉलिटी को क्या लिखा जाएगा? अगर एप्पल को इस लैंग्वेज में लिखा जाता है तो पॉलिटी को क्या लिखा जाएगा, इसी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? तो इस प्रकार रीजनिंग में खूब अच्छी तरह से पढ़े होंगे, वो भी एक इंक्रिप्शन होता है, एक छोटा सा इंक्रिप्शन का उदाहरण होता है। उसी प्रकार से बड़ा सा इंक्रिप्शन इसमें होता है, जब आप मैसेज भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए किसी को लिखे गुड मॉर्निंग, जिसे किसी को आपने गुड मॉर्निंग भेजा, गुड मॉर्निंग भेजा तो गुड मॉर्निंग के रूप में नहीं जाएगा, वो अपने अनुसार इस प्रकार से कुछ लिख देगा। वो खुद जानता होगा, दूसरा कोई नहीं जानेगा, उसने इस प्रकार से कुछ लिख दिया, वो खुद ही जानता है, कोई नहीं जानता कि उसने क्या लिखा। और ये होगा इंक्रिप्टेड फॉर्म, इसी रूप में वहाँ जाएगा, और वहाँ जाएगा तो डिनक्रिप्टेड हो जाएगा, यानी कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, वहाँ गुड मॉर्निंग दिखाएगा देखने वाले को। तो इसलिए एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, इंक्रिप्शन इसका काफ़ी मजबूत होता है और डाटा शेयर भी नहीं करता, इसीलिए प्रॉब्लम में भी फंसा है। सुरक्षा के घातक पहलू भी हैं इस इंक्रिप्ट, ये जो इसके इंक्रिप्शन है और इसकी सिक्योरिटी है, यही इसका सबसे बड़ा सुरक्षा का घातक पहलू भी देखने को मिला है। 19 जून 2024 को UGC नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। इसमें आरोप लगाया गया था कि इस नेट का, UGC नेट का एग्ज़ाम पेपर लीक किया गया था। पेपर लीक जो किया गया था टेलीग्राम के माध्यम से ही किया गया था। जुलाई 2024 में टेलीग्राम ग्रुप से स्टॉक मार्केट शेयर करके उसको मैनिपुलेट कर, शेयर के कास्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी, और ये बताया गया कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया गया है, तो ये भी टेलीग्राम के थ्रू ही किया गया था। अदर एग्जाम्स पेपर लीक, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होते हैं, और एग्ज़ाम्स के पेपर जब लीक होते हैं तो आरोप लगाया जाता है कि टेलीग्राम के थ्रू ही ज़्यादा लीक होते हैं, क्योंकि टेलीग्राम एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, क्योंकि टेलीग्राम इंक्रिप्टेड होता है और अन्य कोई एप्लीकेशन उतना इंक्रिप्टेड नहीं होता है, वो डाटा शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम नहीं करता है, इसलिए टेलीग्राम पर भरोसा रहता है। क्यों हुए गिरफ्तार, इसके बारे में अगर बात करें तो टेलीग्राम पर मादक पदार्थों की तस्करी के कारण, मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया सरकारों ने, मादक पदार्थ की तस्करी का आरोप लगाया फ्रांस की सरकार ने कि टेलीग्राम के थ्रू ही मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, जब खुद नहीं रोक पा रही है तो टेलीग्राम पर आरोप लगा रही है। आतंकवाद का समर्थन करने का भी जिक्र मिला है, क्योंकि डाटा शेयर नहीं किया जाता है इसलिए आतंकवादी गतिविधियाँ टेलीग्राम के थ्रू ज़्यादा घटती हैं, क्योंकि आतंकवादियों को भी पता है कि हमारा मैसेज कोई नहीं पढ़ पा रहा है टेलीग्राम से अगर हम कर रहे हैं तो। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में भी टेलीग्राम काफ़ी टेलीग्राम से होता है ऑनलाइन धोखाधड़ी, क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों को पता है कि टेलीग्राम से करेंगे तो इंक्रिप्शन होगा और मेरा डाटा सेव रहेगा, कोई नहीं देख पाएगा, तो इसलिए टेलीग्राम के थ्रू करते हैं। या अन्य साइबर स्टार्टिंग संबंधी मामलों की वजह से फ्रांस में इनको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में टेलीग्राम ने बताया है किसी भी प्रकार की अवैध सार्वजनिक सामग्री वैध अनुरोध पर कार्यवाही होगी। अगर टेलीग्राम के थ्रू कोई अवैध सार्वजनिक सामग्री है तो उस पर वैध रूप से कार्रवाई जरूर टेलीग्राम करेगा, लेकिन किसी राजनैतिक दबाव के कारण किसी प्रकार की डाटा शेयर की बात नहीं करेगा, और राजनैतिक दबाव के कारण किसी का डाटा शेयर नहीं करेगा। यही दोनों के बीच विवाद है, क्योंकि फ्रांस गवर्नमेंट कहती है कि डाटा शेयर कर दो, तुम्हारे टेलीग्राम से ये सब काम हो रहा है, वो कहता है कि अगर कहीं काम होगा, ऐसा कोई काम टेलीग्राम की नज़रों में पड़ेगा तो इस पर कार्रवाई टेलीग्राम करेगा, लेकिन डाटा शेयर नहीं करेगा टेलीग्राम। घटना के खिलाफ प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम घृणास्पद भाषण, सरकार कह रही है, सरकारें कह रही हैं, फ्रांस की सरकार तथा अन्य विभिन्न सरकारें भी कह रही हैं कि ये टेलीग्राम घृणास्पद भाषणों को बढ़ावा देता है। जैसे अभी हमने बताया ये चीज़ों को टेलीग्राम एवं अन्य जनता, टेलीग्राम के जो चलाने वाले हैं उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें चाहिए,
हमारे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हम अभिव्यक्त कर रहे हैं तो हमारा डाटा सुरक्षित रहना चाहिए। इस मामले में टेलीग्राम अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है। निजता की स्वतंत्रता जरूरी है, हमें निजता का स्वतंत्रता है, हम कहाँ क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारा मैटर है और हमारा मैटर किसी से शेयर नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारा निजता का अधिकार है। तो निजता के अधिकार की बात की गई है। और दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि अवैध गतिविधियों का विनियमन हो रहा है इस प्रकार से टेलीग्राम से। एडवर्ड स्नोडेन है एवं अन्य के द्वारा फ्रांस की आलोचना की गई है। एक अमेरिकी कंपनी CIA इसमें काम कर चुके हैं एडवर्ड स्नोडेन। CIA कंपनी में इन्होंने काम किया है और काम करने के बाद इन्होंने बताया कि CIA जो अमेरिकी कंपनी है वो ग्लोबल सर्विस लाइन प्रोग्राम चला रही है, GSP चला रही है। ये अमेरिकी कंपनी, इन्होंने एडवर्ड स्नोडेन ने इस अमेरिकी कंपनी में काम किया है और इन्होंने कंपनी के बारे में बताया CIA के बारे में कि CIA जो अमेरिकी कंपनी है वो GSP यानी कि ग्लोबल सर्विस लाइन प्रोग्राम चला रही है और इस प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन डाटा को ट्रैक कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति की डिजिटल निगरानी भी कर रही है ये CIA कंपनी। टेलीग्राम से पहले की कार्यवाही के बारे में अगर हम बात करें तो मेटा पर भी कार्रवाई हो चुकी है। मेटा का ही फेसबुक है, मेटा का ही है व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम भी मेटा का ही है, दो तीनों की पेरेंट कंपनी मेटा है। तो मेटा पर भी कार्रवाई इसके साथ हो चुकी है। एक्स पर भी हो चुकी है, जिसे ट्विटर कहा गया था, पहले ट्विटर कहा गया था, इसके संबंध में तो भारत में भी हुई थी आपको याद होगा। तो गूगल पर भी कार्रवाई हुई है और अन्य बहुत सारी डिजिटल कंपनियों के बारे में बहुत सारी कंपनियों पर कार्रवाई ऐसे कई बार हो चुकी है। और जितनी बार कार्रवाई हो चुकी है उसका महत्वपूर्ण चीज है डाटा। डाटा के चलते ही कार्रवाई हुई है, डाटा के चलते ही इन पर कार्रवाई होती है। लेकिन डाटा इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि डाटा के पीछे सरकारें पड़ी रहती है? आखिर क्या चाहती है सरकार, डाटा से क्या लेना चाहती है, सरकारें क्यों पीछे पड़ी रहती है डाटा की? तो डाटा इज द न्यू आयल। डाटा को एक नया आयल माना जाता है। एक आयल रेवोल्यूशन हुआ था जब किसी समय में, कभी आयल के चलते यानी कि तेल के चलते दुनिया भर में क्रांति हुई थी, लेकिन अब तेल के चलते नहीं, अब उसकी जगह पर डाटा के चलते हो रही है, ऑनलाइन डाटा के चलते। तो इसलिए डाटा को न्यू आयल के से प्रोनंसिएट किया गया है, जो बिग टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और सरकारों के बीच ये हो रहा है। इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग के लिए सुविधा, अगर डाटा मिल जाए तो पता चल जाएगा, डाटा मिल जाए तो कौन सा यूजर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस वेबसाइट पर जा रहा है, क्या सर्च कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस चीज़ का ऑर्डर दे रहा है, ये सब कुछ जो है कि डाटा के माध्यम से पता चल जाता है। जब पता चल जाता है तो सोच कैसा रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है कि बिहेवियर क्या है। मार्केटिंग के बारे में पता चलता है कि किस चीज़ की वो मार्केटिंग करता है, तो उसको उसी प्रकार से टारगेट किया जाता है। तो मार्केटिंग के बारे में, बिहेवियर के बारे में, और जब बिहेवियर के बारे में पता चलता है तो पॉलिटिकल प्रेफरेंस के बारे में पता चलता है कि वो पॉलिटिक्स रूप से किस गवर्नमेंट को प्रेफर करता है या किस गवर्नमेंट को प्रेफर नहीं करता है। और जब ये पता लिया जाता है तो उसको टारगेट किया जाता है, उसके खिलाफ जो है कि उसका मानसिकता को चेंज करने के लिए उसको टारगेट किया जाता है, अन्य प्रकार से, अन्य माध्यम से टारगेट किया जाता है। तो इसके बारे में डाटा से पता चलता है। पब्लिक थाट के बारे में, पब्लिक सोचती क्या है सरकार के बारे में या विपक्ष के बारे में या किसी के बारे में सोचती क्या है, जब सोच के बारे में पता चलता है तो विभिन्न मुद्दों को लाकर बीच में और उसकी सोच को बदलने का प्रयास करती है सरकारें। इसीलिए डाटा महत्वपूर्ण है इतना, और डाटा चाहती है, हर सरकार चाहती है कि हमें डाटा मिल जाए। आप इंक्रिप्शन के बारे में, हमने आपको समझा दिया इंक्रिप्शन क्या है, अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि सबसे पहले इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को किस कंपनी के द्वारा दिया गया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिल पाए। द्रोण GS रिसर्च सेंटर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।